हेलो फ्रेंड्स, आपका श्री अनंता ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैं होम साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके लिए एक बार फिर लेके आई हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो आपके टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लोक पोषण एवं संबंधित संगठन, इसको इंग्लिश में कहा जाता है पब्लिक न्यूट्रिशन एंड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हैं जो इस प्रकार हैं। 321 ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? इसका उत्तर है 1982। इसको हम क्या, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है DWCRA। क्वेश्चन नंबर 322, समेकित बाल विकास सेवा ICDS की स्थापना कब की गई? तो कभी कभी आपको एग्जाम में इतना फुल फॉर्म में नहीं आता है, केवल ICDS भी दिया जाएगा, तब भी आप समझ जाइएगा कि वो समेकित बाल विकास सेवा के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर होगा 2 अक्टूबर 1975। क्वेश्चन नंबर 323, आंगनबाड़ी केंद्र के अंतर्गत आने वाले बच्चों को 6 जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए टीका लगाए जाते हैं, वो कौन सी बीमारी होती है? तो 6 बीमारियां कौन कौन सी होती हैं? गला घोटू, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, खसरा तथा तपेदिक। क्वेश्चन नंबर 324, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, इसको का इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहा जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948। क्वेश्चन नंबर 325, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 326, कौन सी संस्था बच्चों तथा माताओं को रोग से बचाने तथा उसका कल्याण करने के लिए बनाई गई है? इसका उत्तर है यूनिसेफ या UNICEF। क्वेश्चन नंबर 327, यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी? इसका उत्तर है 11 दिसंबर 1946। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। भारत में कब की गई थी इसकी स्थापना? मई 1949। तो जो यूनिसेफ यहाँ पे कार्यरत है भारत में, वो 1949 से कार्यरत है और इसकी स्थापना जो की गई थी न्यूयॉर्क में, वो की गई थी 1946 में। तो आप इस दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 328, केयर का पूरा नाम क्या है? केयर ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा नाम है कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर। तो ये एक प्रकार का गैर सरकारी एवं गैर सांप्रदायिक संस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 329, केयर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना 1946 में की गई थी, लेकिन इंडिया में ये 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। जो ये कार्यरत है इंडिया में 1950 से कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 330, एकीकृत बाल विकास योजना की स्थापना कब की गई? इसका उत्तर है 1975। 331, क्वेश्चन नंबर 331, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना का वर्ष क्या है? तो यहाँ पे इसके उत्तर होगा 2 अक्टूबर 1952। क्वेश्चन नंबर 332, ट्राइसेम कब शुरू हुआ था? तो ट्राइसेम शुरू हुआ था 1979 में। क्वेश्चन नंबर 333, ट्राइसेम का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है शॉर्ट में से TRISEM, इसका फुल फॉर्म होगा ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 1979। 334, उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई? 4 दिसंबर 2007, यह महिलाओं की खरीद फरोख्त की रोकथाम से भी संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 335, राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना, जिसे सबला योजना के नाम से जाना जाता है, का कार्य क्या है? 18 वर्ष की किशोरियों को पोषक आहार उपलब्ध कराना।
क्वेश्चन नंबर 336, सबला योजना कब शुरू की गई? इसका उत्तर है 19 नवंबर 2010। क्वेश्चन नंबर 337, जननी सुरक्षा योजना कब शुरू हुई थी? इसका उत्तर है 1 अप्रैल 2005 से 2006 के बीच में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 338, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्थापना कब की गई? इसका उत्तर है 15 अप्रैल 2005। क्वेश्चन नंबर 339, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया? इसका उत्तर है 1986। क्वेश्चन नंबर 340, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कब शुरू की गई? इसका उत्तर है 2005। क्वेश्चन नंबर 341, CFTRI से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है केंद्रीय आहार तकनीकी अनुसंधान संस्थान। 342, CFTRI की स्थापना का वर्ष कौन सा है? इसका उत्तर है 1950, मैसूर। क्वेश्चन नंबर 343, व्यवस्थापन प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा है? इसका अंतिम चरण होता है मूल्यांकन। 334, केयर की स्थापना कहाँ हुई थी? केयर की स्थापना जिनेवा में हुई थी, जो कि स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 345, न्यूजीलैंड में अक्षम लोगों के लिए कौन सा की बोर्ड डिजाइन किया गया था? तो कौन सा किया गया था? लोमैक, LOMAK। क्वेश्चन नंबर 346, भारतीय मानक संस्थान ISI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर है 1947। क्वेश्चन नंबर 347, मिलावट निरोधक अधिनियम कब बना? इसका उत्तर है 1954। मिलावट निरोधक अधिनियम 1954 में बना था। क्वेश्चन नंबर 348, भारत में प्रतिकारिता कार्यक्रम कब बना? इसका उत्तर है 1978 में प्रतिकारिता कार्यक्रम बना था। क्वेश्चन नंबर 349, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना का वर्ष क्या है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना का वर्ष है 1953। क्वेश्चन नंबर 350, केयर संस्था किसकी शाखा है? केयर CARE संस्था किसकी शाखा है? इसका उत्तर है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक और शेयर करिए, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए।